सो आज का टॉपिक है हमारा ग्रेजुटी। ग्रेजुटी इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर देता है किसको? एम्प्लॉई को। कि रिटायरमेंट बेनिफिट होता है इन अ कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। जो पास्ट सर्विस उसने रेंडर्ड की है ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में, कंपनी में, उसके बदले उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। इसे बोलते हैं ग्रेजुटी। और देता कौन है उसे? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डील विथ द एग्जेम्पशन ऑफ द ग्रेजुटी इनकम। सच एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय सैलरीड एसएससी ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एसएससी अदर देन एम्प्लॉय शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। एग्जाम्पल, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय An agent of LIC of India is not eligible for exemption under Section 10, Subsection 10, as an agent are not employee of LIC of India। जो LIC ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है, एक एजेंट ऑफ LIC का एजेंट है, उसको ग्रेजुटी मिल रहा है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है एग्जेम्पशन के लिए अंडर सेक्शन 10, सबसेक्शन 10 में। क्यों? क्योंकि एजेंट है, एजेंट एम्प्लॉय नहीं है LIC का, वो तो एजेंट है, इसलिए उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में। जो एग्जेम्पशन है उसको हम पढ़ेंगे आगे। ग्रेजुटी इसमें हमारे तीन केस होते हैं। तो पहला केस है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। तो ग्रेजुटी मिल गया है जब वो कंटिन्यू था बिजनेस सर्विस में, तभी उसको ग्रेजुटी मिल गया है। तो उस केस में क्या होगा? जो ग्रेजुटी है फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा उस एम्प्लॉय के लिए। ग्रेजुटी क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल उस एम्प्लॉय के लिए जिसको वो मिला है उसके कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में। सेकंड केस आता है हमारा ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जब वो रिटायर होगा सर्विस से, तब की बात है। अगर वो रिटायर हो रहा है तो दो केस होंगे। तो देखेंगे कि वो जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अदर एम्प्लॉय है। अदर एम्प्लॉय मीन्स प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर पहला केस देखें अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसे ग्रेजुटी मिला है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 में, ठीक है। उसको ग्रेजुटी मिला है और वो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो ग्रेजुटी। और इसी केस में अंदर अगर वो अदर एम्प्लॉय है मींस प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो उसके दो केस होंगे। अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है दो केस होगा। तो पहला केस है कि कवर्ड अंडर द पेमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी, कि वो जो एम्प्लॉय है कि कवर्ड है पेमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी में, कवर्ड है, यस, अगर वो कवर्ड है, यस कवर्ड है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा उसको। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। इनमें से जो तीनों में से तीन पॉइंट है, जो मिनिमम होगा उसमें उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो इसमें से लोअर होगा। तो पहला है एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव, जो ग्रेजुटी से मिला है वो, फर्स्ट। एंड सेकंड 20 लाख रुपए। सेकंड थर्ड जो है 20 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्यूटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये एक फॉर्मूला टाइप सा होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका जो फॉर्मूला था इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट जो था इसका थर्ड प्लेस, ये ऑटोमेटिकली ऐसे लिखा जाता है 15/26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ये थर्ड पॉइंट है। तो सैलरी का मतलब यहाँ पे होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे सैलरी जो पर मंथ आएगा ना, सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो हमने पढ़ा भी, सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस बेसिक सैलरी और डीए होता है। और इंक्लूड करेंगे फ्रैक्शन, जो पर मंथ जो था, इंक्लूड फ्रैक्शन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा फ्रैक्शन आ रहा है, ऐसे 7 ईयर एग्जांपल के लिए, 7 ईयर्स 9 मंथ्स है, तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे 8 ईयर। और 7 ईयर 5 मंथ्स है, तो इसको ऐसे हम यूज़ करेंगे 7 ईयर, ठीक है। 7 क्योंकि इसमें 6 मंथ से ज़्यादा है इसलिए 8 ईयर, और 6 मंथ से कम इसमें मंथ्स आ रहे हैं इसलिए 7 ईयर इसको हम ट्रीट करेंगे। ये तो हो गया हमारा कि कबर्ड था उसके पेमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी, यस था, ठीक है। अब ये देखेंगे कि वो कबर्ड नहीं है द पेमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में, वो कबर्ड नहीं कर रहा है,
तो उसका क्या पॉइंट होगा वो हम आगे देख रहे हैं। ग्रेजुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय बींग नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी एक्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3 में टू द एग्जेम्प्ट ऑफ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। जो लोअर ऑफ फॉलोइंग है तीनों में से वो एग्जेम्प्शन मिल जाएगा उस एम्प्लॉय को। पहला एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव जो ग्रेजुटी से मिला है वो, सेकेंड 10 लाख रुपीज़ एंड थर्ड इज 1/2 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। यहाँ पे सैलरी का मतलब कुछ और हो जाता है, यहाँ पे हेयर सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, यहाँ पे कमीशन भी ऐड हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कमीशन नहीं था, बेसिक प्लस डीए था, यहाँ पे बेसिक डीए प्लस कमीशन भी आ रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है, इग्नोर एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर 7 ईयर 9 मंथ विल बी ट्रीटेड एज 7 ईयर ओनली। इसमें कोई सा ही फ्रैक्शन हो 6 मंथ नहीं देखेंगे, अगर 6 मंथ ज़्यादा हो रहा है 6 मंथ कम हो रहा है कुछ नहीं देखेंगे, जो ऐसे कि 7 ईयर है उससे ईयर को लेंगे, मंथ को इग्नोर करेंगे। तो 7 ईयर 9 मंथ्स है तो उसको हम ट्रीट क्या करेंगे, 7 ईयर्स ओनली। ठीक, तो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा ये वाला, रिसीव्ड आफ्टर डेथ। अगर डेथ के बाद अगर उसको ग्रेजुटी मिली है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मैं इसको मैं अपने बुक में दिखा देता हूँ आपको, जो इंस्टीट्यूट का बुक है, ग्रेजुटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। अगर जो एम्प्लॉय था उसके डेथ के बाद अगर ग्रेजुटी मिलता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। द एक्ट इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, हाउएवर द फॉलोइंग ग्राउंड्स इट कैन बी कंक्लूड दैट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द लीगल हायर शैल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डिसीव्ड। अ लमसम पेमेंट मेड ग्रेजुएटली टू विडो और लीगल हायर ऑफ एम्प्लॉय हु डाई इन सर्विस बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑफ अदरवाइज इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, अनयूटिलाइज डिपॉजिट अंडर द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम शैल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लाइबल टू फॉर पेमेंट्स ऑफ टैक्स ऑन इनकम दैट हैज नॉट अकर टू द डिसीज्ड टिल दिस डेथ। लीव सैलरी पेड टू द लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी। फर्दर द लीव सैलरी बाय अ लीगल हायर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन हेयरनेस इन नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डिसीव्ड। टैक्स पॉइंट्स देखते क्या है, इफ ग्रेजुटी becomes due before the death of SSC, no matter when and by whom received, it shall be taxable in the hands of employee. Whereas, if gratuity becomes due after the death of SSC, it shall not be taxable even the hands of legal hire of the SSC. ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, ये जो पॉइंट था हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पूरा ग्रेजुटी का कौन सा एग्जेम्प्शन मिलेगा, ग्रेजुटी क्या होता है, और एज अ डायरेक्ट टैक्स ड्यू से जो सैलरी के अंदर हमारा कंप्यूट होता है। थैंक यू।